हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजेटेक में। आज हम सीखेंगे कैसे भी हम किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले हमें सर्च में जाना है और लिखना है स्नाइपिंग टूल। जब हम लिखेंगे स्नाइपिंग टूल, ये हमें शो करेगा ये आइकन। ये एक एप्लीकेशन है जिससे हम स्क्रीनशॉट्स आसानी से कभी भी ले सकते हैं। गाइस, आप इस एप्लीकेशन को पिन कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है यहाँ पर टास्क बार पर। इस चीज़ से क्या होगा, आपको बार बार सर्च में स्नाइपिंग टूल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधा इसे यहीं से एसेस कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया। तो गाइज, अब हम देखेंगे कैसे हम किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे मुझे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं इसने अपनी पीछे की स्क्रीन सारी ब्लर कर दी है। अब आपको जितना पोर्शन अपनी स्क्रीनशॉट में चाहिए उतना पोर्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कर्सर को उस पोर्शन तक ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे मुझे सिर्फ एल्गोरिदम चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन सेलेक्ट करूंगा और माउस कर्सर को छोड़ दूंगा। जब हम ये कर देंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अब आप इसे एडिट कर सकते हैं पेंट के थ्रू, और आप इसे सीधा सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आपको फाइल के बटन में सेव एज को दबाना पड़ेगा। अब जब आप सेव एज को दबा देंगे, आप यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट का कुछ भी नेम रख सकते हैं, जैसे अनडिफाइंड, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा स्क्रीनशॉट कैसा कैप्चर हुआ है। अब देखिए, मैंने अनडिफाइंड नाम से जो स्क्रीनशॉट लिया था वो कितना क्लियर आया है। आप इसी स्क्रीनशॉट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, अब आपको पता चल गया होगा कैसे हम किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकें।